हे गाइस, वेलकम टू HS टेक जोन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडिया के अंदर वीवो V15 प्रो और वीवो V15 दोनों ही डिसकंटिन्यूड हो चुके हैं। तो अब दोस्तों यहां पर फाइनली लीक्स आने स्टार्ट हो चुके हैं वीवो V70 प्रो और वीवो V70 के। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वीवो V70 प्रो के बारे में कि क्या कुछ आपको खास देखने को मिलने वाला, साथ ही कब तक लॉन्च होगा और क्या प्राइस होगा, क्या स्पेक्स रहने वाले। तो इन सभी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों, मैं बता दूं यहाँ पर आपको पॉप अप सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला, लेकिन यहाँ पर आपको इस बार ड्यूल कैमरे का सेटअप देखने को मिलेगा जो पॉप अप सेल्फी कैमरा होगा। अभी तक तो फिलहाल जो आए हैं डिवाइस उनमें केवल सिंगल कैमरा ही देखने को मिलता था पॉप अप वाले में। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, साथ ही आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर दोस्तों सबसे पहले बात की है डिस्प्ले की, तो आपको अभी वो V70 प्रो में देखने को मिलेगी 6.39 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो एक फुल व्यू डिस्प्ले होने वाली है। साथ ही यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलने वाला है। अगर दोस्तों बात की यहाँ पर बैक की, तो यहाँ पर आपको मिलने वाली है पॉलीकार्बोनेट की बैक, लेकिन जो फिनिशिंग होने वाली है बहुत ही गजब की होने वाली है, जिस प्रकार से आपको यहाँ पर वीवो V15 प्रो वगैरह जो अन्य डिवाइस है उनमें देखने को मिली थी। यहाँ पर बिल्कुल आपको ग्लास का फील आने वाला है। अगर इसके बाद में बात की है हमारे कैमरा सेटअप की, तो आपको बैक में ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलने वाला है, जिसका प्राइमरी सेंसर रहने वाला है 48 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी सेंसर मिलेगा आपको 8 MP का, और थर्ड सेंसर आपको मिलने वाला है यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का। अगर बात की है यहाँ पर सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पर आपको मोटराइज पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है, जिसका जो प्राइमरी सेंसर मिलने वाला है आपको 48 मेगापिक्सल का, और सेकेंडरी सेंसर आपको मिलने वाला है 5 मेगापिक्सल का, जो एक टेलीफोटो सेंसर होगा। यानी कि यहाँ पर आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा में भी दो कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाले हैं। अगर बात की जाए इसके बाद में प्रोसेसर के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो वीवो V70 प्रो हुआ उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730 या फिर 730G, इन दोनों में से एक आने के पूरे रूमर्स लगाए जा रहे हैं अभी फिलहाल। और अगर बात की जाए इसके बाद में बैटरी की, तो बैटरी आपको अराउंड 4000 mAh की मिलने वाली है, जो आएगी फास्ट चार्जिंग के साथ में। साथ ही आपको USB Type-C 3.5mm ऑडियो जैक और ब्लूटूथ और जो अन्य फीचर्स होते हैं, सेंसर्स होते हैं, वो सभी के सभी देखने को मिल जाएंगे। अगर बात की जाए इस डिवाइस के रैम और रोम की, तो यहाँ पर आपको जो स्टार्टिंग वेरियंट देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको 6GB रैम और 128GB रोम से, जो मैक्सिमम जाने वाला है 8GB रैम और 256GB रोम तक। अगर बात की यहाँ पर माइक्रो SD कार्ड की, तो यहाँ पर आपको डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिलने वाला है माइक्रो SD कार्ड के लिए, जिसमें आप 256GB तक के माइक्रो SD कार्ड यूज कर सकते हैं। अगर दोस्तों बात की यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है फन टच OS, जो वेस्ट रहने वाला है एंड्रॉयड क्यू पर। अगर बात की जाए इस डिवाइस के अन्य फीचर्स की, दोस्तों आपको सभी नॉर्मल फीचर देने मिल जाएंगे इसमें, जो होते ही हैं किसी भी डिवाइस में। साथ ही यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर फ्रंट मिल जाएगा, फास्ट चार्जिंग वगैरह मिल जाएगी। और अगर बात की जाए अब इस डिवाइस के लॉन्च डेट के बारे में और प्राइस वगैरह के बारे में, दोस्तों फिलहाल तो इसके जो रूमर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं, बताया जा रहा है कि ये सितंबर या फिर अक्टूबर महीने के दौरान इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। अगर बात की जाए इसके प्राइस की, तो जो वीवो V17 प्रो रहने वाला उसका इंडिया के अंदर प्राइस होगा लगभग 17,000 से लेकर 20,000 के बीच में ही। दोस्तों यहाँ पर ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल कन्फर्म प्राइस नहीं आई है।